हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक पल्लवन के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। पल्लवन का अर्थ होता है, पल्लवन को हम भाव पल्लवन भी कहते हैं, भाव विस्तारण भी कहते हैं और पल्लवन को एक्सपांशन कहा जाता है अंग्रेजी में। पल्लवन पल्लव शब्द का ही एक रूप है। पल्लव का अर्थ होता है कोमल पत्ता या नया पत्ता या कोंपल। पौधे के ऊपर जो नए पत्ते आते हैं, उन पत्तों के या कोंपलों के आने से उस पौधे का विस्तार होता है। ये अर्थ है पल्लवन का। तो पल्लवन का अर्थ है विस्तार करना या विकास करना, बढ़ाना, विस्तृत करना आदि। और दूसरे रूप में अगर हम कहें, इसको परिभाषित करें पल्लवन को, छोटे से वाक्य या वाक्य खंड में जो विचार बंद पड़े हैं, जो विचार उसके अंदर कोई छोटे से वाक्य में हैं, उन्हें खोल देना, उनका एक्सपांशन करना, उसको फैला देना ही पल्लवन कहलाता है। संक्षेपण की विपरीत प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं। संक्षेपण, समरी लिखते हैं अपन, शॉर्ट करते हैं किसी पैराग्राफ को, उसका अपोजिट है पल्लवन। पल्लवन में एक्सपांशन किया जाता है, समरी में बड़ा होता है उसको छोटा लिखा जाता है। दूसरे रूप से हम कहें तो पल्लवन एक प्रकार से कली से फूल बना देने की प्रक्रिया है। पल्लवन की अब व्याकरण की दृष्टि से जो परिभाषा है वो आप समझ लें। किसी सूक्ति, सूत्र वाक्य, उक्ति, विवेच्य बिंदु या सार गर्भित कथन में निहित भाव सौंदर्य को बताना या उसकी व्याख्या करना ही पल्लवन कहलाता है। किसी भी सूक्ति में, किसी सार गर्भित कथन में, किसी वाक्यांश में उसके अंदर जो भावगत सौंदर्य है उसको विस्तार से बताना, उसकी व्याख्या करना पल्लवन कहलाता है। इसे भाव पल्लवन, भाव विस्तारण या विस्तारण भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं पल्लवन करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला बिंदु मैंने दिया है इसमें, जो सूक्ति या जो कथन स्टेटमेंट आपको पल्लवन करने के लिए दे रखा है, सबसे पहले उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें और समझें। दूसरा, उस सूक्ति या कथन का आप मूल भाव समझें, यानी उसकी उसके पीछे भावना क्या है, क्या भाव है उसे समझें। तीसरी जो ध्यान में रखने वाली बात है, उस मूल भाव को अपने खुद के शब्दों में विस्तार से लिखें, खुद के शब्दों में, अपने स्वयं की भाषा में लिखें। भाषा बिल्कुल सरल हो, सहज हो, ज़्यादा क्लिष्ट भाषा पल्लवन में नहीं होनी चाहिए। आप पल्लवन करते समय छोटे छोटे वाक्य बनाएं और जो सूक्ति या कथन आपको दे रखा है, जो उसका मूल भाव है या उसका विचार है, उसकी आलोचना, उसकी क्रिटिसाइज पल्लवन करते समय नहीं करें। पल्लवन की जो रचना है, पल्लवन करते समय अन्य पुरुष शैली ही होनी चाहिए। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, ये वे यह वह, तीसरे व्यक्ति के रूप में बात करते हुए हम पल्लवन
करें। पल्लवन में हम कुछ उदाहरण वगैरह भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप पल्लवन का अर्थ, पल्लवन करने के क्या नियम है, क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये समझ गए होंगे। अब जैसे कुछ उदाहरण के रूप में आपके एग्जामिनेशन में कोई सूक्ति आ सकती है, कोई दोहा आ सकता है, कोई कथन आ सकता है, कोई स्टेटमेंट किसी का आ सकता है, या कोई छोटा वाक्य आ सकता है, कोई सूत्र वाक्य आ सकता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में मैंने दो तीन उदाहरण दिए हैं, पल्लवन कीजिए। पहला है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, आपको इस पे लगभग एक छोटा सा निबंध लिखना है। पल्लवन करने का मतलब इसके बारे में लिखना है। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि ये वाक्य किसका है, किसने कहा, किस संदर्भ में कहा था, कब कहा था। ये सारी बातों का समावेश करते हुए आप इसका पल्लवन करेंगे। दूसरा, मैंने एक दोहा लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इसको आप पढ़ें, समझें इसके पीछे भाव क्या है। इसके पीछे भाव है, परोपकार की भावना ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। इसको आप उदाहरण सहित विस्तार से लगभग आधा एक पेज में लिखें। तीसरा मैंने दिया, अधजल गगरी छलकत जाए। अब इस के पीछे की भावना है, आधे ज्ञान वाला पुरुष या आधा पैसे वाला बना हुआ व्यक्ति, आधा जो व्यक्ति है जो संपूर्ण नहीं है, वो अपने उस ज्ञान का दिखावा ज़्यादा करता है। यानी आधी भरी हुई जो मटकी होती है सिर पे लेके, जब महिला उसको पनघट से अपने घर आती है तो उसमें से पानी छलकता रहता, बाहर निकलता रहता है। तो ये भाव आप लिखें। चौथा मैंने दिया है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यानी जो व्यक्ति मन से हार गया, इसका मतलब वो हार गया, और जो मन से जीत गया वो जीत गया। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।